हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम कवर करेंगे। और अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज। तो यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। कल हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को रिवाइज किया था और आज हमारा जो टेस्ट होने वाला है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ नेट यूजीसी के लिए, हर एक एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। और 2 से 3 क्वेश्चन है वो एक सिंगल टॉपिक से आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज अच्छे से रिवाइज करते हैं, जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी आपकी थ्योरीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, वो सब के सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में आइकोनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके प्लस के प्लान हैं और ये आपके आइकोनिक के प्लान हैं। 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के बेस्ट प्लान हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है SHIV10, और जैसे ही आप रेफरल कोड लगाते हैं तो तुरंत आपको डिस्काउंट है वो यहाँ से मिल जाएगा। ये बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकोनिक में मिलते हैं। ज़्यादा फायदा आपको आइकोनिक में है क्योंकि यहाँ से पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल आउटसोर्सिंग सेशन, ये सब आपको मिलता है आइकोनिक। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट। ये स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, कल 7:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप सब लोग मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेशल क्लास है आप ज्वाइन करें। और शाम को 4 बजे पेपर 1 की क्लास होती है, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आपकी क्लासेस होगी। इसके बाद आपकी 9 बजे प्लस की क्लास होती है पेपर 1 की, तो जो भी प्लस के स्टूडेंट हैं वो आप प्लस की क्लासेस को भी अटेंड करें ऑन द रेगुलर बेसिस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, एंड एक बार आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए Which of the following aspect separate Chalcolithic culture from the Neolithic culture? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू ताम्रपाषाण संस्कृति को नवपाषाण संस्कृति से अलग करता है? बताएं। Use of utensils यानी बर्तनों का उपयोग, use of stone tools यानी पत्थर के औजारों का उपयोग, domestication of plants, use of metals। आंसर कीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट सेपरेट चालकोलिथिक कल्चर फ्रॉम नियोलिथिक कल्चर? यूज ऑफ यूटेंसिल्स, यूज ऑफ स्टोन टूल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यूज ऑफ मेटल्स। तो आंसर क्या है गाइस? डी। ठीक है, यूज ऑफ मेटल्स। क्योंकि चालकोलिथिक कल्चर में हम देखते हैं तो आपका कॉपर जो है वो आपका यूज होने लग जाता है, ठीक है, तांबा। तो यूज ऑफ मेटल है वो आपका डिफरेंट। देखो बर्तन तो यूज आपको भी पता है कि पहले भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं, स्टोन टूल्स अभी भी हो रही थी, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ये आपका नियोलिथिक में स्टार्ट हो जाता है, तो चालकोलिथिक में तो होगा ही होगा, तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। लेकिन जो कोपर का जो यूज होता है वो आपका किसमें होता है? चालकोलिथिक। इसलिए तो इसको कोपर स्टोन इज बोलते हैं। तो यूज ऑफ मेटल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं।
एक ब्रॉड डिवीजन जो हम करते हैं हमारे इतिहास का, तो देखो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक, ये आपका ब्रॉड डिवीजन है तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई पैलियोलिथिक में इस तरह के टूल होते थे, मेजोलिथिक में ऐसे होते थे, नियोलिथिक में ऐसे होते थे, चाल्कोलिथिक में जब टूल्स बनने लगे तो आपको मेटल्स यहाँ पे उपयोग है वो आने लगा, धातु का प्रयोग है वो यहाँ पे होने लगा, और इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला द इंडस पीपल हार्वेस्टेड व्हीट, बार्ली, राई, पीस, राइस एंड मस्टर्ड। ब्रॉन्ज टूल्स वर यूज टू प्लो फील्ड्स एंड एज सिकल्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। कॉटन वाज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज। रागी वाज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन दौलतपुर एंड मिथाल इन हरियाणा एंड उलास इन उत्तर प्रदेश। बता दीजिए का करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। वन एंड करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था कि भाई सही कथन कौन सा है। तो देखो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो जो गेहूं, बार्ली, मटर, राइस और मस्टर्ड ये उगाते थे, बिल्कुल सही बात है। देखो ब्रोंज टूल्स पर यूज टू प्लो फील्ड एज सिकल्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। देखो ब्रोंज का हमें नहीं मिला है, ब्रोंज का जो हल है वो हमें नहीं मिला है, तो ये वाला आपका ठीक नहीं होगा। कोटन है वो सबसे पहले यहीं पे हमें अवशेष मिलते हैं भारत में कोटन के उगाने के, तो तीसरा वाला सही। रागी वाज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन दौलतपुर एंड मिथाल इन हरियाणा, ये भी आपका गलत है। तो वन एंड थ्री आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो जरूर याद रखना। ठीक है, स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है क्योंकि वीट भी उगाते थे, बार्ली, राइस, पीस, सीसम, मस्टर्ड एंड राइस, ये सारी की सारी फसलें हैं तो आईवीसी की क्रॉप से, तो इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हैं कि आईवीसी में यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस किस फसल को उगाते थे। अब देखो यहां पे जो ये स्टेटमेंट आपका ब्रोंज, देखो हमें जो प्लो मिला है, जो हल मिला है वो किसका मिला है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कालीबंगा से हमें हल मिला है, लेकिन वो किसका है, लकड़ी का, किसका है, वुड का, और जो हमें सिक्कर मिला है वो स्टोन का मिला है, तो दोनों गलत हो गए। देखो जो वो मतलब जो कसिया होता है, जो सिक्कर मतलब जो खसिया होता है आपका, और प्लो मतलब जो आपका जिससे हम खेत को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब खेत को बोते हैं ना, तो हम प्लो बोलते हैं, तो प्लो जो मिला है वो हमें लकड़ी का मिला है ना कि ब्रोंज का, ये भी है। चलिए एक चीज और याद रखनी है आपको कि इंडस पीपल है ना, देखो बनावली से वुलन प्लो नहीं मिला है, वुडन जो प्लो मिला है आपका वो कालीबंगा से मिला है, क्या कालीबंगा से, इसको जरूर याद है ना, जो कालीबंगा है उसमें जुते हुए खेत मिले हैं आपको, ये जरूर याद। ठीक है ना, एक चीज और याद रखनी है कि जो इंडस पीपल थे वो सबसे पहले उन्होंने कॉटन उगाया, इंडस पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन, इसको जरूर याद रखना। देखिए भाई कोटन सबसे पहले कहाँ पे अवशेष मिलते हैं, तो वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं, वो जरूर याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट,
थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारोस, ग्रेट बात पहला। दूसरा है एविडेंसेस ऑफ यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स हैव बीन फाउंड इन सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही, बताओ। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू या नाइदर वन एंड। आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या बोला गया है कि करेक्ट कौन सा है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारोज, ग्रेट बात, क्या ये है? देखो जो ग्रेनरीज है ना वो है सबसे, अन्नागार जो है, अन्नागार ग्रेनरीज है, ग्रेट बात नहीं है यार। जो अन्नागार हमें मिले हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, ना कि ग्रेट बात। और पकी हुई ईंटों के हमें अवशेष हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल सही, पहला वाला है वो आपका गलत हो गया, क्योंकि जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है वो आपको मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और नगर नियोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4। They were the first in the world to use blunt brick. Pehla, all the houses were single stories, showing no economic differentiation. Town usually had two parts, a lower part and an elevated citadel. They worshipped local nature gods and had made elaborate temples for them. Batai. सही आंसर, आंसर इसका जो है वो है आपका बी, 1 एंड 3, 1 एंड 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑल द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी शोइंग नो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, जबकि हमने देखा है कि डबल स्टोरी भी है, और जैसे हम धोलावीरा जैसे टाउन में देखते तो 3 स्टोरी भी मिलते हैं। डबल और ट्रिपल भी मिलते हैं यार, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन तो हमें दिखता ही है। दूसरा हमने देखा कि आपकी लोअर टाउन और अपर टाउन भी था आपका, है ना, लोअर टाउन था और अपर टाउन, अपर टाउन में शासक वर्ग रहते थे और लोअर टाउन में आम लोग रहते थे, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन तो हमें देखने को मिलता ही है ना। तो देखो दूसरा वाला कैसे भी सही नहीं हो सकता, तो दूसरे वाले को जैसे आप हटा देंगे तो आपका एलिमिनेशन से भी आप बी आंसर को निकाल सकते हैं, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो अपर टाउन था उसको हम क्या बोलते थे, सिटारे। अपर टाउन है, लोअर टाउन, देखो दो तीन चीजें और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे कालीबंगा है, वहां पे
मड ब्रिक्स हैं वो यूज हुई हैं आपकी, और चमुंदड़ो है वहां पे कोई सिटाडेल नहीं है, एक चीज याद रखना है ना। जो टाउन है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, सिटाडेल और अपर पार्ट्स, को जरूर याद रखना है ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो जैसे गली होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, तो दरवाजे रोड पे नहीं खुलते थे, दरवाजे बैक साइड पे खुलते थे ठीक है। दरवाजे क्या होते थे? बैक, एक चीज याद रखना है आपको, है ना। तो और जो स्ट्रीट थी वो इस तरह से होती थी, जैसे ये जा रही है और एक एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी ठीक है, जैसे आज हमारी टाउन प्लानिंग होती है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज, नालियां बीच में होती थी यहाँ पे, और उनके ऊपर चैम्बर भी लगे होते थे सफाई करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है, एवरीवन इसको जरूर याद रखना। और वुडन ड्रेनेज सिस्टम आपका कहाँ पे मिला है? वुडन ड्रेनेज सिस्टम आपका कहाँ पे मिला है? कालीबंगा, लकड़ियों से बनी नाली, तो ये भी थोड़ी सी आपको याद रखना ठीक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। इन एंशियंट इंडिया द लोस्ट वेस्ट टेक्निक वाज यूज फॉर कलेक्टिंग हनी फ्रॉम हाइव्स, बेकिंग ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज, स्मेल्टिंग ऑफ गोल्ड। तो बता दीजिए करेक्ट आंसर आपका क्या है। इन एंशियंट इंडिया द लोस्ट वैक्स टेक्निक वाज यूज कलेक्टिंग हनी फ्रॉम हाइव्स, बेकिंग ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन, मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज, स्मेल्टिंग ऑफ गोल्ड। तो आंसर इज लोस्ट वेक्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? लोस्ट वेक्स टेक्निक। इसकी हमें एक जो डांसिंग गर्ल की जो इमेज मिली है मोहनजोदारो से, कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। वो आपकी किस टेक्निक से बनी है? लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनी है। वो किससे बनी हुई है? लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनी है, उसी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये आपको पता ही होगा कि लोस्ट वैक्स टेक्निक कैसे यूज की जाती है ना, तो आप इसको पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ले लिया इसने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सब लोग जल्दी से, जैसे कि बाद में आप पढ़ सको इसको। सिक्स क्वेश्चन बताओ, विद रेफरेंस टू द फूड एंड रिलेटेड हैबिट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पा संस्कृति के भोजन और संबंधित आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो करो भाई विचार, आपके पास में तीन स्टेटमेंट हैं और बताना है कि सही कौन सा हो। विद रेफरेंस टू द फूड एंड रिलेटेड हैबिट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पा संस्कृति के भोजन और संबंधित आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई विचार। तो आंसर इसका क्या है? डी, डी इज द करेक्ट आंसर।
1 एंड 2। देखो वो मिलेट्स भी खाते थे और होल ग्रेन भी खाते थे, ठीक है, आपको याद रखना। देर इज नो एविडेंस ऑफ कंजप्शन ऑफ मेरीन प्रोडक्ट्स बाय द हड़प, ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। कैटल, शीप्स एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड, तो ये भी आपको याद है रखना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा में, ठीक है, आपको कैटल भी मिला है, भेड़ की हड्डियां भी मिली हैं, बकरी की भी मिली है, बफेलो की भी मिली है और पिक की भी मिली है, जिससे हमें पता लगता है कि वो भेड़, बकरियां, सुअर, भैंस, कैटल्स, इन सबको क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे, है ना। इससे हमें क्या पता लगता है कि वो पशुपालन भी करते थे। ये अगर पशुपालन नहीं करते थे तो अब आपको भी इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, तो क्यों उनकी हड्डियां मिलेंगी, ठीक है ना। एक देखो, हमें बोर, डियर, घड़ियाल ये भी मिले हैं ना, फिश और फाउल, इनकी भी हड्डियां हमें मिली हैं। तो भाई अगर मछली की हड्डियां मिल रही है तो हो सकता है कि मछली भी वो खाते होंगे, यानी कि जो की प्रोडक्ट्स उनको भी वो कंज्यूम करते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेवन्थ, विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सील्स वर मेड आइदर फ्रॉम मेटल और क्ले एंड ऑलवेज कंटेन एनिमल मोटिव्स। ड्रेनेज सिस्टम वर ओनली फाउंड इन 3 ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स की पंक्ति। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो बताएं सही आंसर क्या है। विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। देखो, नन ऑफ दिस। हड़प्पा सील्स वर मेड आइदर फ्रॉम मेटल और क्ले एंड ऑलवेज कंटेन एनिमल मोटिफ। क्या हमेशा उनपे जानवरों की आकृति मिली है? तो सोचो आप। ड्रेनेज सिस्टम वर ओनली फाउंड इन 3 ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन सिटीज। ओनली, ऑलवेज, ये दो शब्द हैं आपके पास में जो आपको हिंट दे रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर देना चाहिए। क्या है? हमेशा, केवल, स्ट्रेस वर्ड है ना, तो सोचना चाहिए। देखो, जो सील्स थी वो स्टेटा टाइप की बनी होती थी, है ना। तो इसमें देखो एनिमल मोटिव्स भी मिलते थे और बहुत सारे साइन भी मिलते थे, दोनों चीज मिलती थी। क्लियर एवरीवन? एक चीज आपको याद रखनी, ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको कम, ऐसा नहीं है कि कुछ सिटीज में मिलता है, वो बहुत सारी सिटीज में आपको मिलता है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बड़ी सिटियों में भी मिलता था और छोटी में भी मिलता है, ठीक है। जैसे आपका, जैसे कालीबंगा में मिलता है, मोहनजोदारो में मिलता है, लोथल में मिलता है, बहुत सारी सिटीज में आपको जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी व्यवस्था मिलती है। तो दूसरा वाला भी आपका गलत है, ठीक है। 8th क्वेश्चन, विद रेफरेंस
टू सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एलिमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फंड फ्रॉम द सिटी, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ से, ये देखो आपके की साइन बोर्ड, प्लोग फील्ड, ट्वेल्व ग्रेनेज, ये कहाँ से, ये प्लेसेस, तो इनको आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, करेक्टली मैच कौन सा। पंद्रह सेकेंड आपके पास में, आंसर दीजिए सब लोग। उपयोग में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है आपका सी। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड लोथल से मिला है, साइन बोर्ड हमें लोथल से मिला है, जुता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिला है, 12 ग्रेनरीज हैं वो हमें कहां से मिली है, हड़प्पा से। ठीक है, 12 ग्रेनरीज हैं वो हमें कहां से मिली है, हड़प्पा। इसको आपको याद रखना, तो करेक्ट आंसर इज सी, आपका बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, बी भी सेम ही है ना, तो इसको फोर कर लीजिए आप, तो ठीक है, चलो जिसका बी है वो भी ठीक है, जिसका सी है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब खुश हो जाओ, बी वाले भी खुश हो, सी वाले भी, जिसका बी है वो भी ठीक है, जिसका सी है वो भी ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, पेव्ड ब्रिक्स, इंग्लिश बोन सिस्टम ऑफ फॉल्स, घोड़िया छत यानी रूफ, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड आर्केस। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, तो बताओ जी, पेव ब्रिक्स, इंग्लिश बोर्ड सिस्टम ऑफ वॉल्स, घोड़िया रूफ, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड आर्किस। साइन बोर्ड जो है वो बेसिकली इंस्क्रिप्शन है, मतलब एक बोर्ड है उस पर कुछ लिखा हुआ है, सॉर्ट ऑफ अभिलेख है वो, जो कहां से मिला है, धोलावीरा से, गुजरात। तो द वेरी करेक्ट आंसर इज, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, क्या नहीं मिली है, साइंटिफिकली कंस्ट्रक्टेड आर्किस, मेहराब है वो नहीं मिली, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा डी। देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज प्रेजेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिराफ, एलिफेंट, कंगारू, जैक। सिर्फ सिर्फ 10 सेकेंड आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, तो दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज प्रेजेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, मेहराब जो है वो आपका बेसिकली जो मिडिवल पीरियड है वहां पे आपको मिलता
ओ, आंसर क्या है आपका? बी, एलिफेंट। और ये हमें कहां से पता लगा है? क्योंकि एक हमें तीन मुख वाले देवता मिले हैं जिसको हमने बोला पशुपति। पशुपति, ठीक है, पशुपति मतलब प्रोटो शिवा के रूप में इसको जाना गया है। और इसके चारों तरफ हमें जैसे हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा है ना, और नीचे दो एंटीलोप हैं वो भी हमें मिलते हैं। तो ये आपको क्या मिलते हैं, इसको चारों ओर से घेरे में है, चार जानवर हैं और नीचे आपके एंटीलोप में है। यहाँ पे हमें एलिफेंट का अवशेष मिलता है। और पशुपति का मतलब क्या है? पशुओं के देव। ठीक है, क्योंकि इसके देखो चारों तरफ हमें क्या मिल रहा है, पशु मिल रहा है। नेक्स्ट, सवादान एच किससे संबंधित? बताओ। सवादान एच किससे संबंधित है? प्री हरप्पन कल्चर, फुल ब्लोन हरप्पन कल्चर, फुल ब्लोन सब्सिक्वेंट हरप्पन कल्चर, लेटर हरप्पन कल्चर। प्यूरियल एच इज रिलेटेड टू, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, इज द करेक्ट आंसर, प्री हरप्पन कल्चर। प्री हरप्पन कल्चर से रिलेटेड प्यूरियल एच। ओके, और इसे R37 का नाम दिया गया है। आपसे पूछ ले कि बार R37 क्या है, तो R37 है वो एक कब्र है ना, एक समाधि जो है वो हमें मिली है। बुरियत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन एज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन इंडिया? दैमाबाद, उल्हास, कालीबंगा, आलमगीरपीर, मेहरगढ़। पंद्रह सेकेंड है आपके पास में, और बताना है कि सही उत्तर क्या हो। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन एज द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन इंडिया? दैमाबाद, उल्हास, कालीबंगा, आलमगीरपुर और मेहर। आंसर इस क्या है आपका? देखो, मेहरगढ़ जो है वो बेसिकली अभी भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में। और ये सबसे पुरानी कच्ची बस्ती के रूप में आपको कौन सा मिला है? मेहरगढ़ ही मिला है, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कीजिए इसको। भारतीय उपमहाद्वीप। इंडिया में मत करो, भारतीय उपमहाद्वीप में करो, क्योंकि तो अभी पाकिस्तान में है। तो आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, उल्लास उत्तर प्रदेश में है आपका, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ये आपके क्या है? हड़प्पा कालीन
प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट जियोग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनको दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। बता दीजिए सब लोग। हड़प्पा, मोहनजोदारो, काली बंगा, लोथल। व्हाट इज द करेक्ट ज्योग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स सिटीज, नॉट साइट्स, सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, वो है आपका डी। देखो, आपको पता है हड़प्पा भी पाकिस्तान में है आपका, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और लोथल आपका गुजरात में है। तो एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई लोथल सबसे नीचे आएगा, ठीक है, लोथल सबसे नीचे आएगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रहा लोथल गुजरात में, ठीक है, और ये रहा आपका कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। अब देखो ये है आपका मोहनजोदड़ो, दिख गया आपको, तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा इसके ऊपर मिलेगा, ये रहा आपका हड़प्पा। तो सबसे ऊपर हड़प्पा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कालीबंगा आ गया, तीसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो आ गया, और चौथे नंबर पे लोथल आ गया। तो नॉर्थ टू साउथ ही तो जाना था हमें, नॉर्थ से साउथ। पहले हड़प्पा, दूसरे पे कालीबंगा, तीसरे पे मोहनजोदड़ो, चौथे पे लोथल। आ गया समझ में, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदारो एंड लोथल। नेक्स्ट, कालीबंगा से जो चबूतरे मिले हैं किससे बने? कालीबंगा से जो हमें चबूतरे जो मिले हैं वो किससे बने? वुड, क्ले ब्रिक्स, स्टोन, वुड एंड मेटल। बता दीजिए सब लोग, जल्दी से बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्ले ब्रिक्स, मिट्टी की ईंटों के, वुड के। देखो नालियां मिली हैं, वुड की नाली मिली है यहां से, चबूतरे नहीं मिले यार, लकड़ी की नालियां मिली है यहां पे, हम चबूतरे की बात कर रहे हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्ले ब्रिक्स। वुडन ड्रेन मिला है यहां से, है ना, क्या मिला है, ड्रेन, लकड़ी की तो नाली मिली है यहां से। क्या क्या मिला है, देखो चूड़ी बनाने का कारखाना मिला है ना, जो पक्की ईंटों की सड़कें मिली है ना, जुता हुआ खेत मिला है ना, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, कैमल बोन मिला है यहाँ से, और क्या क्या मिला है कालीबंगा से, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अर्थक्वेक के साक्ष्य मिले हैं आपको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कालीबंगा से आपको मिले। बताओ बालाथल की खोज किसने की, और बालाथल है कहां पे? कहां है, कमेंट करके बता दो कि बालाथल कहां है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई। अग्निवेदिका ही मिले हैं आपको, बिल्कुल, है ना,
अग्निवेदिकाएं भी मिली हैं। बाला थल, बाला थल कहां पे है कमेंट करके बताओ, और इसकी खोज किसने की ये भी बताओ। आंसर जो इसका है वो है आपका डी। वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई है। अब जो बालाथल है वो राजस्थान में है, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको बताया होगा, बट एक भी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर नहीं दिया। कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए, या पाकिस्तान मत जाओ, भारत में ही रहो, क्योंकि वहां से रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं होता कभी। मत जाओ पाकिस्तान, आप हमारे राजस्थान आ जाइए सब लोग, क्योंकि तो बालाथल आपका कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट। सूची वन है और सूची सेकंड, आप इसको मैच करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट समाधान प्रक्रिया, वो जो मेथड्स हैं वो आपको दिए गए हैं, और दूसरी तरफ हमके स्थान है, तो आपको मैच करना है। ताबूत समाधान, तारित समाधान, संयुक्त समाधान और कलश समाधान। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कोफिन बिरियल, हड़प्पा, एक्सटेंडेड बिरियल यानी विस्तारित समाधान, सनोली, जॉइंट बिरियल यानी संयुक्त समाधान कहाँ पे मिलते हैं हमें? लोथल से मिलते हैं, और कलश बिरियल हमें मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फेमस इंडस रिवर वाज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? हरिरुद, कुंबा, क्रुम्बु, वितस्ता। आंसर इज सी। तो आंसर इज सी, ए बी। देखो वितस्ता तो व्यास है, और व्यास नदी तो हिमाचल अपने भारत में है ना, सबको पता है व्यास, ये तो अपने भारत में ही है ना, अफगानिस्तान में थोड़ी है। वितस्ता नोट व्यास, सॉरी आई एम सो सॉरी, झेलम है आपकी, है ना, वितस्ता झेलम है, व्यास नहीं है, वितस्ता झेलम है, व्यास तो आपकी विपासता है। प्लीज इसको करेक्ट करो सब लोग, द स्लिप ऑफ टंग। वितस्ता आपकी झेलम है, अश्किनी चेनाब को बोलते हैं, पुरुषनी राहुल को बोलते हैं, विपासता व्यास को बोलते हैं, शतुधरी सतलज को बोलते हैं। और अफगानिस्तान में कौन सी है? कुंबा, क्रुम्बु और हरिरुद्र। ठीक है, कुंबा, क्रुम्बु और हरिरुद्र, ये आपके कहाँ पे है? पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान। पांच कौन कौन सी सिंधु घाटी की सहायक नदी है? वितस्ता, अश्किनी, पुरुषनी, विपासा एंड सतुधरी।
मनकी बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई? अमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर। मनके बनाने वाली जो कार्यशाला है वो निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? 15 सेकेंड बताओ सब लोग। अमरी में मिली है, बनावली में मिली है, लोथल में मिली है या रंगपुर में? आंसर इस देखो जी, लोथल और बनावली दोनों में मिली। लोथल एंड बनावली दोनों में आपका मन के बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो मिलती है, वो जरूर दिया था है ना। एक जगह और है आपकी चहुंदड़ू, तीन जगह से मिलती है, एक तो लोथल, बनावली और आपका चहुंदड़ू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए? ये तो हमने किया ही है ना, तो सिंपल सा ही होगा, कुंबा और कुरुम्बु। तुतरी, तो कुंबा क्रुम्बू है ना, और ये प्लीज इसको याद है ठीक है, कुंबा और क्रुम्बू ये आपके किसमें? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, ये तो देखो ये कुछ, हाँ चलिए 23 क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइगर, एलिफेंट, हंपबुल, यूनिको। इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स देर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइगर, एलिफेंट, हंपबुल या यूनिकॉर्न। आंसर होगा आपका, आंसर जो है वो है आपका हंपबुल। और ये जो यूनिकॉर्न है ना, एक सिंगा बोलते हैं इसको, इसको एक माइथोलॉजिकल है ना, बहुत ही सेक्रेड एनिमल है वो माना गया है, पवित्र पशु के रूप में माना गया है। यूनिकॉर्न है ना, जैसे कि आपने अगर मोहनजोदारो मूवी देखी है ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें भी इस चीज को दिखाया गया है, यूनिकॉर्न एक सिंगा जिसको बहुत ही सेक्रेड माना गया है, देखा होगा आपने उस मूवी में, ये ना देखो एक सिंगा यूनिकॉर्न है। नो ट्रेस ऑफ डेथ हैज बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। शुगर केन, मस्टर्ड, शीशम, बार्ली। डैश में से किसका कोई निशान सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? शुगर केन का, मस्टर्ड का, शीशम का, बार्ली। बता दीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका शुगर केन, ठीक है, गन्ने का कोई अवशेष नहीं ना। कौन कौन सी फसल मिली है हमें? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइन सीड्स, मस्टर्ड्स। अ योगी ऑफ द हड़प्पन सील वियरिंग अ हॉर्न हेड ड्रेस एंड सराउंडेड बाई एनिमल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ। बताओ, रुद्र, मुरुगन, महायोगेश्वर, पशुपति शिव। अ योगी ऑफ द हड़प्पन सील वियरिंग अ हॉर्न हेड ड्रेस एंड सराउंडेड बाई एनिमल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड विथ। रुद्र, मुरुगन, महायोगीश्वर, पशुपति शिव। तो आंसर जो होगा इसका वो है आपका डी, पशुपति शिव, जिसको हम प्रोटो शिवा के नाम से भी जानते हैं, आदि शिव। ये देखिए, ये है एलिफेंट, टाइगर, है ना, बुल, राइनो, और नीचे आपके एंटीलोप दिए हैं, ठीक है। नीचे क्या है? दो हिरण हैं, डियर हैं। अमरीकल्चर जो है वो कौन से रीजन में आपको मिलता है? कच्छ रीजन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान या सिंध? अमरीकल्चर है वो आपको कौन सी रीजन में मिलता है? कच्छ रीजन में मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है, बलूचिस्तान में मिलता है, या सिंध में मिलता है? तो इसका भी आंसर दे दीजिए। अमरीकल्चर फ्लरिश्ड इन कच्छ रीजन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिंध। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मैप में भी आपको मैं दिखा देता हूँ अमरी कहाँ पे है, देखो एक बार। ये रहा, देखो अब दिख रहा है आपको अमरी, ये रहा, सिंध में है, पाकिस्तान में है, सिंध में, बालाकोट के पास में। कहाँ पे है? बालाकोट के पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित? स्टोरिकल, प्रोटोस्टोरिकल, पोस्ट स्टोरिकल, प्री स्टोरिकल। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? स्टोरिकल पीरियड है, प्रोटो स्टोरिकल पीरियड है, पोस्ट स्टोरिकल पीरियड है, या प्री स्टोरिकल पीरियड है? आंसर इज प्रोटोस्ट। प्रोटोस्ट क्यों बोला? क्योंकि देखो ऐसा पीरियड जिसकी स्क्रिप्ट तो है, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित स्रोत हैं, बट नोट डेसिफर्ड येट, अपठनीय है। उनको पढ़ नहीं सकते हम। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वॉज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? डिस्क्रिप्टिव, टूरल, कम्युनिकेटिव,
साउंड प्रूफ है ना, ध्वनि बोधक या शब्दांश? Which of the following scripts was used in the Hadappa civilization? तो कौन सी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है? पिक्टोरियल, चित्रात्मक है ना। देखो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें ये चित्रात्मक है ना, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट तो हम क्या बोलते हैं, बोस्टो फ्रोडो ना, बोस्टो फ्रोडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? बोस्टो फ्रोडो। अब देखो ये जो लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है, इस तरह से हम तो ऐसे लिखते हैं, और ये ऐसे लिखी जाती है इस तरह से। तो देखो इस तरह से लिखी जाती है, देखो सांप जैसा बन रहा है ना, स्नेक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार लिपि भी इसको बोला जाता है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, इसको सर्पिलाकार भी बोला जाता है। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से सही कौन सा नहीं है? ट्रेड वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी, हड़प्पन डिड बोथ इनलैंड एंड मैरिटाइम ट्रेड, हड़प्पा वासियों का नील घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, उत्खननों से कास्ते और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरे भी मिली है। तो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो बता दीजिए एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इज द करेक्ट आंसर, सही नहीं है। देखो नील नदी वालों के साथ में इनके अच्छे संबंध नहीं थे ट्रेड रिलेटेड। तो ये देखो उसकी तीन समकालीन सभ्यताएं हैं, हड़प्पा है एक ना, मेसोपोटामिया और एक का इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट वाली नील नदी के किनारे हैं, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस के हैं, और हमारी वाली इंडस के किनारे। आप देखो बाकी क्वेश्चंस हैं गाइस वो हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर तो बनता ही है, सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा कल 7:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है 7:30 AM पे, तो सब लोग कल की स्पेशल क्लासेस भी लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरी स्टूडेंट, ठीक है? स्पेशल क्लास इसका लिंक आपको दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना। क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं शिव10, इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको क्लासेस फ्री और PDF भी वहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमारे बच चुके हैं उनको हम अब कल करेंगे। ठीक है, अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं गाइस तो आपके आइकोनिक प्लस के प्लान है या आपके आइकोनिक के 24 मंथ 12 मंथ और 6 मंथ के बेस्ट प्लान है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और Q10 रेफरल कोड है जिससे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। पेपर वन का भी कोर्स चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर टू का हम लॉन्च करने वाले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जाते जाते एक बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर एंड कीप